इस समय हम मौजूद हैं कजाकिस्तान के अस्ताना शहर के वारिस एरेना की पांचवीं मंजिल पर, जहां पर मीडिया की व्यवस्था की गई है। और मीडिया के लिए आप देख सकते हैं मुझे एक अलग पोशाक में, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा ही मुहैया कराई गई है और इसके बिना कोई एंट्री नहीं होगी। आपको एक्रेडिटेशन का कार्ड पहनना होगा और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये मीडिया लिखा हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है। इस एरेना में अच्छी खासी क्षमता है, 12,500-13,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, कुश्तियों का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टेडियम के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं, ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियाँ चल रही हैं, पहले दिन के मुकाबले हैं, दूसरे सत्र का खेल चल रहा है। पहले सत्र की हम पूरी तरह से आपको जानकारी दे चुके हैं कि भारतीय पहलवान पराजित हुए हैं, 4 भारतीय पहलवान, और वहीं 2 भारतीय पहलवान जो हैं उनको अभी कांस्य पदक के लिए मुकाबले के लिए लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो अभी सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेंगे। और सेमीफाइनल जीतते ही भारतीय पहलवानों की राह काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि वो फाइनल में पहुंचेंगे तो इन्हें रेपिचेज राउंड में खेलने का अवसर मिलेगा। चलिए, हमारे पास अभी समय है, हम आपको कुछ बाहर की गतिविधियाँ, जो स्टेडियम के बाहर की गतिविधियाँ हैं उससे अवगत करा देते हैं। ये जो मेरे सामने जो स्टेडियम है, स्टेडियम का गेट है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री है, और अब काफ़ी मीडिया धीरे धीरे अंदर जाने लगा है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया कर्मी बैठते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ हुआ, बाहर कैसी गतिविधियाँ रहीं। आज महिला टीम जो कि अभ्यास कर रही है, भारतीय महिला टीम, उसने आज हैंडबॉल का मैच खेला। जी हाँ, हैंडबॉल का मैच, और इतनी गंभीरता के साथ खेला, ऐसा लग रहा था कि वो पहलवान ना होकर कोई भारतीय हैंडबॉल टीम के सदस्य हों। और उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ मुकाबले में अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी। और मुझे याद आता है 80 के दशक में ऐसा ही कुछ होता था, जब खिलाड़ी वॉलीबॉल खेला करते थे, भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो पहलवान थे, और उनके बीच में किसी बहुत ही नाजुक क्षण पर लाइन कॉल को लेकर झगड़ा हो जाता था। और जब कभी वो विवाद इतना बढ़ जाता था कि वो पहलवान कई बार तो 3-3 महीने तक आपस में बात तक नहीं करते थे, तो निश्चित तौर पर इस तरह की गंभीरता खिलाड़ियों को बहुत ही उच्च कोटि का बनाती हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ऐसी गंभीरता अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय पहलवानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। भारतीय महिलाओं से जब बात की तो पता चला कि पिछले कुछ दिन पहले सरिता, जो कि 57 किलोग्राम में जो चुनौती रखेंगी और जिन्होंने पूजा ढांडा को पराजित किया था पिछले दिनों और हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी, प्रो रेसलिंग लीग में भी उन्होंने हराया था पूजा ढांडा को, उनका जन्मदिन था कुछ दिन पहले। लेकिन यहां पर केक नहीं काटा गया, केक काटना पूरी तरह से वर्जित किया गया। उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि खिलाड़ियों का वजन बढ़ सकता है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले वजन बढ़ने का मतलब है प्रतियोगिता से रुखसत होना, प्रतियोगिता से बाहर होना। तो शायद इसीलिए खिलाड़ियों ने संतोष कर लिया कि वो बिना केक के ही जन्मदिन मनाएंगी। एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी, गले मिली और शुभकामनाएँ दी एक दूसरे को। ये तो थी महिला टीम की एक कहानी। और अगर हम फ्री स्टाइल पहलवानों की बात करें तो हुसैन करीमी, जो कि भारत के विदेशी कोच हैं, ईरान से आए हुए हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार है सुशील कुमार का, उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है बजरंग पूनिया का, और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है जितेंद्र का। जी हाँ, जितेंद्र 79 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखेंगे, हालांकि वो ओलंपिक वेट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल तो मेडल ही होता है। और सुशील 74 किलोग्राम में अपनी चुनौती रखने जा रहे हैं, और वहीं बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम के, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के नंबर एक पहलवान हैं। ये तीनों विदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर अस्ताना में उन्हें उतना स्पेयरिंग पार्टनर नहीं मिल पाएगा, उतना सशक्त मजबूत प्रतिद्वंदी यहाँ पर अभ्यास के दौरान नहीं मिल पाएगा, या लोग कन्नी काटते हुए दिखाई देंगे पहलवान, तो उससे बेहतर है कि विदेश में अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी जो पावर हैं, उसको पूरी तरह से झोंका जाए और तैयारी की जाए, आदर्श तैयारी की जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप की, क्योंकि यहाँ पर पहले 6 स्थान में आने का मतलब होगा ओलंपिक का, यानी टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटना। और वहीं अगर हम पुरुष टीम की और बात करें तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है, ये यूनिवर्सिटी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दीपक पूनिया से मेरी आज बात हुई। तो दीपक पूनिया, जो कि पिछले दिनों जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने थे, लंबे अरसे बाद जब पलविंदर चीमा ने और रमेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर का खिताब जीता था, उसके 16-17 साल के बाद जाकर कोई भारत से वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बना है। तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पर प्रतियोगियों के बीच में जो अंतर है बहुत ही कम है, 19-20 का अंतर है, उन्हें जो लगता है यहाँ पर किस्मत बहुत साथ देगी और वो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और निश्चित तौर पर उनके इरादे बुलंद दिखाई दिए उनकी बातचीत से, और ऐसा होना भी चाहिए निश्चित तौर पर। और ग्रीको रोमन शैली के जो विदेशी कोच हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो थोड़े से निराश दिखाई दिए मुझे। उन्होंने कहा कि अच्छे परिणाम लाने के लिए अच्छे
पहलवान होना भी ज़रूरी है। तो उनकी इस बात, उनकी जो ये बात है, बहुत कुछ बयान करती है। और जाहिर सी बात है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में अभी कुछ समय पहले तक तो ऐसा होता था कि जब फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का कोई पहलवान छोड़ देता था, फिर वो ग्रीको रोमन में आता था। लेकिन अब ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों को भी गंभीरता से लिया जाने लगा है। संदीप तुलसी यादव ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। गुरविंदर अकेले भारतीय थे जब उन्होंने सिडनी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में। और भी कई ग्रीको रोमन शैली की दास्तान जो है बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी जो कोच हैं उनको लगता है कि आदर्श परिणामों के लिए आदर्श पहलवान होने चाहिए। ये बात भारतीय कुश्ती प्रेमियों को, भारतीय कुश्ती संघ को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। और क्योंकि यदि कोच ही पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो कैसे अपेक्षित परिणाम दे सकता है। लेकिन फिर भी पहलवानों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।